क्योंकि सास भी कभी बहू थी। भाई से फैसल पे आई है ये। मेरे कहती हूँ मटन पुलाव ही मिलेगा तो अगला सीन होगा। एक्शन। Oh, hi guys. Oh my god, Nashin team is here. How come? What's happening? So we thought we'd come in and see what's happening. Lovely. I'm super excited. So, as you guys know, I'm at shoot right now. We are on the sets of Delay Moment. Hum yahan pe aaj shoot kar rahe hain aur ittefaq se aaj to kafi zyada cast bhi yahan pe maujood hai. So how about I take you around and introduce you with the rest of the cast. You guys want to do that? Yeah, that'd be great. Let's do. Dusra camera jib pe laga lo. Do camera hai na. That's the captain of the ship. Jib pe laga lo. Right there. Her name is Shehrazad Sheikh. Hi, Sheru. She is really professional, so we can't be in this scene right now because they are like really into the scene and it's a very serious scene as you can see. And over here we have none other than Faisal Qureshi. Hi. इतना बुरा हाल है, आज ही शूट करवानी है। रेड मारी है ना उन्होंने, क्या कर सकते हैं। हाँ बताएं, दिल्ली मोमेंट में क्या कर रहे हैं आप? I'm playing Moment. Oh lovely. And title name. Ah. अब फैसल क्रेशी ने करेंगे तो कौन देखना करेंगे? असल में नाम दिले मोमिन है और नाम बेशक मेरा मोमिन है, लेकिन बात ये है कि मोमिन पहले कौन बनता है, किसका दिल पहले मोमिन। बहुत ही गहरी बात की है आपने जी। ये तो हमारी ऑडियंस डिसाइड करेगी, राइट? सो यू हैव टू डिसाइड गाइस। फर्स्ट टाइम मोमल के साथ ये सीरियल कर रहा हूँ मैं। ड्रीम कम ट्रू। और भाई से फैसल पे आई है ये। वो भी कितना मुश्किल हो रहा था कि फैसल भाई, नहीं नहीं फैसल भाई कैसे बोल सकते फैसल। मेरी कोई ऐसी चीज जो आपको अच्छी नहीं लगती? लाइन याद नहीं होती। बाय गाइस, कट ओवर। बाकियों का पूछो। हाँ तो अब हम डायरेक्टर के पास आते हैं। हाँ, शेरू के बारे में क्या कहेंगे? जो बात अच्छी नहीं लगती, छोटी छोटी चीजों का स्ट्रेस लेती है जो कि नहीं लेना चाहिए, जो कि नहीं, लेकिन होता है ऑब्वियसली बिकॉज़ वो रिस्पांसिबल है। तो वो बहुत बहुत माइनर चीजें हैं जो नॉर्मली हमारे डायरेक्टर्स फॉलो नहीं करते हैं, ये फॉलो करती हैं। आपने बड़ा डिप्लोमेटिकली आंसर दिया है, ये जवाब मैं नहीं मानती। नहीं नहीं सही, ये गिफ्ट हैम्पर आपका नहीं हुआ। नहीं, मुझे गिफ्ट हैम्पर नहीं चाहिए। दैट्स अ ग्रेट जॉब। यस आई एम रेडी। सो ये थी मजे मजे की बातें जो हमने फैसल क्रेशी से की। नाउ बिकॉज़ देयर टेकिंग राइट नाउ और अब हम शॉट रेडी हो गया उनका और वो शूट कर रहे हैं, तो हम अंदर चलते हैं जो बाकी की कास्ट है उनसे मुलाकात करते हैं। कब कब नॉक नॉक। हेलो, कम कम कम, दिस इज ज़ोहा। हाय ज़ोहा जो है ना यहाँ पे जब भी उनको फ्री टाइम मिलता है सो वो अपने लैपटॉप पे लगी रहती हैं और काम कर रही होती हैं बिकॉज शी इज़ अ वर्किंग लेडी। हाय एवरीवन, हेलो, माय नेम इज़ ज़ोहा एंड आई एम प्लेइंग एमी। ओके, आई एम प्लेइंग मोमोस फेवरेट कैरेक्टर। शी लव्स मी, देयर इज़ अ प्लॉट ट्विस्ट। दैट इज़ ट्रू दो, दैट इज़ ट्रू दो। वी वर सिटिंग ऑन द बेड यस्टरडे एंड इट ब्रोक, द होल बेड जस्ट वेंट। Zoha, what about that jhula? Oh my god, and the jhula outside. I don't know that broke. So the set, there's a lot of things breaking, but we're making it work. Absolutely, absolutely. So thank you so much. And guys, I'm going to take you to the other cast members right there. Ajay, mujhe aise lag raha hai ki why am I doing this? Kyunki saas bhi kabhi bahu thi. Aaiye, aaiye. अस्सलामुअलैकुम गाइस, ये देखें हमारे पास यहाँ भी बाकी कास्ट मेंबर्स बैठे हुए हैं और ये है हमारी मैशन की टीम। और यहाँ पे जो है हमारी सबसे खूबसूरत, सबसे टैलेंटेड पूरी कास्ट, ये चारों के चारों बहुत खूबसूरत हैं, दिल की खूबसूरत हैं, शक्ल की खूबसूरत हैं और साथ साथ में काफ़ी टैलेंटेड भी हैं। अच्छा, आप अपने कैरेक्टर के बारे में जल्दी से कुछ बताएं। क्यों बताएं? ऐसे ही
सीक्रेट रखना चाह रहे हैं आप ही बता दें अपना कैरेक्टर चले मेरा कैरेक्टर इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है जैसे कि हर ड्रामे में बहुत लेकिन जैसा कि मेरे हुलिये से आपको नजर आ रहा है कि बहुत ही एक सीधी सादी मजलूम और बहुत प्यारी मजलूम तो मेरी माँ है बहुत ही खूबसूरत स्क्रिप्ट है मैं कहती हूँ मैं बरकत वाली आर्टिस्ट तभी सबा होती हूँ तभी सबा फैसल जो है वो हर हिट ड्रामे में होती है तो अच्छा ड्रामा आप लोग देखिएगा दिले मोमिन और आई एम प्लेइंग मोमिन ज़बरदस्त तरीके से शाहज़ेब साहब ने इस कैरेक्टर को लिखा जो दीन और दुनिया दोनों को साथ लेकर चलते हैं और बेसिक ड्राइव है इस सीरियल की वो मोमिन का तकब्बुर है उसको भी नहीं पता है इस बात का शायद वो भी नहीं जानता है इस बारे में कि उसको क्या तकब्बुर है अपनी कुछ छोटी छोटी चीज़ों में तो बहुत अंडरलाइन लिखी हुई हैं वो चीज़ें वही चीज इंसान को कहाँ और कहाँ किस तरह ड्राइव करती है दिस इज ऑल अबाउट व्हाटएवर आई हैव डन इन पास्ट उससे थोड़ा सा डिफरेंट है आई हैव ट्राइड कि थोड़ा सा डिफरेंट कर सकूँ इस कैरेक्टर को इस ड्रामे में बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं आई नो दैट एक बार आप ये ड्रामा शुरू करेंगे यू वुड वांट टू नो व्हाट्स गोना हैपन द नेक्स्ट एपिसोड हाउ इज द एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद योर फादर इन द सेम ड्रामा जब वो सेट पे होते हैं तो मुझे लगता है मैं घर पे ही हूँ बाबा ये कर दें बाबा वो मंगा दें मुझे बाबा ये हुआ था सो वो एक घर वाली बात ही लगती है बट मुझे थोड़ा सा ज़्यादा प्रोफेशनल होना पड़ेगा बिकॉज ये जो घर की ज़िदें होती हैं ये मुझे घर पे ही छोड़नी होगी बट आई गेस नाउ आई एम मैरिड सो मुझे बहुत कम मिलती हूँ तो जब सेट पे मिली तो इसी तरह से सीन हुआ बट ही इज़ वेरी प्रोफेशनल लाइक आई यूजुअली प्ले लाइक अ गर्ल नेक्स्ट डोर काइंड ऑफ कैरेक्टर इन मोस्ट ऑफ माई प्लेस सो दिस is not particularly the protagonist of the story but there are those elements where like I mean wo jo negative traits hote hain na wo zyada initially nazar aayenge and then from there on the story goes so it has been different which is why I chose this script mujhe nahi lagta ki koi late aata hai hum ladkiyan pehle aati hain because hamara makeup hota hai and we are usually on time so I think aajkal to main hu But otherwise, everybody is pretty damn punctual because our director is punctual. Favorite person director है यार बहुत मजे की है बंदूक की गोली है वो. सबा फैसल. मदिया, मोमल, जोआ, निदा, सबा आपा, एनी आपा इतने खाने आते हैं सेट पे कि मैं अक्सर बाहर जाके कोने में बैठा होता हूँ कि यार मतलब हद हो गई है बहुत बहुत खाते हैं ये लोग यार. एक वो जो चलता है ना कि क्या खाएंगे क्या खाएं तो वो एक मिलजुल के हम चीज़ें मंगाते हैं ताकि हमारी जो रिफ्रेशमेंट हो वो एक साथ सारे लोग जो हैं वो कर सकें तो आई कॉन्स्टेंटली वॉन्ट समथिंग टू ईट एवरी आवर किसी का भी इतना मेकअप नहीं है कोई नहीं करती हमारे डायरेक्टर को मेकअप ही नहीं पसंद है वो अगर उनका बस चले तो वो तो कहें कि आप ऐसी काम करा लें है ना वो धोएं और आ जाए इनिशियली इट वाज मी बिकॉज मुझे लगना था वैसा नो वन नो वन नो बडी नॉट एट ऑल मेरे मटन पुलाव नहीं मिलेगा तो अगला सीन होगा टैंट्रम द डायरेक्टर मेरे ही होंगे यार बाकी मैंने किसी को नखरे करते हुए नहीं देखा सेट पे Yeah, that's it.